दिनांक 27/12/18 को रात्रि 10:15 बजे ये सूचना मिलती है कि 3 व्यक्ति बुलेरो के साथ टिकोरा मोड़ के आगे अवैध वसूली कर रहे हैं। इस सूचना पर तत्काल इंस्पेक्टर कोतवाली देहात मौके पर पहुंचते हैं और बात सही निकलती है और इन मैं गाड़ी तीनों आदमियों को ले आते हैं। उनके पास से 4600 रुपये नगद, एक डीएल और एक बुलेरो बरामद होती है। बुलेरो के आगे पीछे उत्तर प्रदेश सरकार और पीछे SDM लिखा होता है और ये अवैध वसूली की ही बात जो है सत्य है। इस क्रम में इनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है और अग्रिम कार्रवाई करके ये जेल भेजा जाएगा। ये थे कि लोकल गाड़ियों को टच नहीं करते थे, बाहर की गाड़ियों को ही टच करते थे ताकि इनको जो है कोई पकड़ में ना। कितने लोग पकड़े गए? 3 व्यक्ति पकड़े गए हैं, उसमें एक जो है सरजू नहर खंड 3 का सरकारी कर्मचारी अपने को बताता है, एक उसका साथी है, एक चालक है बुलेरो का। ये अपराध संख्या 502/18, 419, 420, 170, 384 के तहत जो है मुकदमा पंजीकृत किया गया है।